महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विज्ञापन उनको काफी भारी पड़ गया है। जिस विज्ञापन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही विज्ञापन है जिसके पीछे एकनाथ शिंदे तो लक्ष्मण रेखा पार न करने की सलाह दी गई है। चलिए क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने विज्ञापन विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कड़ा संदेश भेजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे सरकार को चेतावनी दी है कि वह लक्ष्मण रेखा को पार न करे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कमजोर दिखाने की कोशिश से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि विज्ञापन में शिंदे को फडणवीस से अधिक लोकप्रिय बताया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन किया था। इस दौरान शिंदे को सीएम पद देकर पुरस्कृत करने का फैसला हुआ। इस फैसले से बीजेपी नेता और महाराष्ट्र में पार्टी कैडर परेशान हो उठे। ये बीजेपी से जुड़े वे लोग थे जो फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने अपने गठबंधन सहयोगियों को जोरदार संदेश देने का मन बनाया है और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मानना है कि वो अकेले राजनीतिक चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती। ऐसे में उसे शिंदे सेना पर निर्भर रहना होगा। साथ ही शिंदे की शिवसेना के साथ दबदबे को लेकर संतुलन को बनाए रखने पर भी पूरा जोर रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की गई और एक नया विज्ञापन छपवा दिया गया। इसमें भी सर्वे का हवाला देकर कहा गया कि महाराष्ट्र में 49.3% मतदाता बीजेपी और शिवसेना को पसंद करते हैं। इसमें कहा गया है कि 84% मतदाताओं को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने देश को विकास की दृष्टि दी है और 62% मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास कार्य तेजी से कर रही है। नए विज्ञापन में शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले आनंद दिघे के साथ फडणवीस और बाल ठाकरे की तस्वीरें भी है। इसमें राज्य सरकार में शामिल शिवसेना के अनेक मंत्रियों के भी चित्र हैं। खैर ये तो साफ है कि नया विज्ञापन सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, लेकिन चर्चा पुराने विज्ञापन की है और देवेंद्र फडणवीस अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।